हे गाइस, स्वागत है आप सभी का माधुरी सोनी किचन में। तो आप सभी को तो पता ही है कि समर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हाँ सॉरी गाइस, थोड़ा रेसिपी डालने के लिए मुझे थोड़ा सा लेट हो चुका है, पर कोई बात नहीं, अभी भी 2 महीने बाकी है समर सीज़न ख़त्म होने के लिए। तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे अभी इन दिनों में सारी ठंडी चीज़ें अपलोड होने वाली है, ठंडी चीज़ों वाली रेसिपीज अपलोड होने वाली है, तो इसीलिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जाने वाले हैं ठंडी ठंडी लस्सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिया है फुल फैट दूध, इसे मैं पहले से ही गर्म कर लिया था सुबह ही। तो ये जो है रेसिपी अभी मैं रात को बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गाढ़ा दही जमा है ये मैंने सुबह में लगा लिया था, और ये जो भगोने में दूध है ये 1 लीटर दूध है, और इसकी मलाई आप देख सकते हो, ये मलाई हम यूज़ करेंगे लस्सी में। बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा मलाई से, मलाई वाली लस्सी हम बनाने वाले हैं और आइसक्रीम वाली लस्सी, 2 टाइप की लस्सी यहाँ पे बनने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दही कितना गाढ़ा जमा है गाइस, है ना। तो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी वाली लस्सी बनाने के लिए ऐसा वाला दही होना ज़रूरी है, और थोड़ा सा हमें आइस लगेगा और थोड़ी सी पीसी हुई चीनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी बाउल आपको लेना है, इस तरीके का हैंड मिक्सर आप ले सकते हो या ब्लेंडर आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो में ब्लेंडर यूज़ करके बता रही हूँ, लेकिन हमें लस्सी बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें दूध के ऊपर जो मलाई थी जमी हुई तो उससे निकाल लेनी है एक कटोरे में, लेकिन मैंने गलती से बॉल में डाल दिया था, तो बाद में मैंने उसे कटोरे में ट्रांसफ़र करके रख दिया है। थोड़ा सा फेंट लेना है, फेंट सकते हो या वैसे भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दही ले लिया है एक बॉल में, थोड़े से आइस क्यूब डाल लिए हैं और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। तो गाइस आप वीडियो में देख सकते हो ब्लेंडर को इस तरीके से हमें चला लेना है, इसे गाढ़ा बना लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल क्रीमी और गाढ़ा लग रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पे बबल्स कैसे आ रहा है। और जब हम मिक्सर ग्राइंडर में बनाएंगे तो बिल्कुल भी ऐसे बबल्स वगैरह नहीं आएंगे, झाग नहीं आएगी लस्सी में। और जब झाग आएगी ना लस्सी में, तभी लस्सी बहुत बढ़िया लगती है पीने में या खाने में। तो यहाँ पे मैंने और थोड़ी सी चीनी डाली है, और चुटकी भर नमक हमें डालना है ताकि थोड़ा सा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो झाग कैसी बनी है, कितनी गाढ़ी लस्सी बन करके रेडी है। लेकिन हम जब मिक्सर ग्राइंडर में बनाएंगे तो लस्सी जो है गाढ़ी नहीं बनेगी, तो हमें इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालना है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पसंद है इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अपनी लस्सी बिल्कुल बन करके रेडी है। बस 5 मिनट में लस्सी अपनी बन जाएगी, पूरा प्रोसेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 5 मिनट में नहीं लगेगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे। तो मैं लस्सी को कर रही हूँ ट्रांसफ़र क्लास में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कितनी सारी झाग है लस्सी की, बिल्कुल बढ़िया से लस्सी हमारी बन करके रेडी है। और मैंने जो क्रीम निकाल के रखी थी, मलाई निकाल के रखी थी, ये मैं यहाँ पे ऊपर से डाल रही हूँ, क्योंकि ये है मलाई वाली लस्सी, तो मलाई का होना तो ज़रूरी है। और थोड़े से यहाँ पे मैंने लिए है ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, काजू, बादाम मैंने यहाँ पे लिए हैं। आप चाहे तो थोड़े से चोको चिप्स वगैरह भी डाल सकते हो और टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे तो ज़्यादातर मलाई वाली लस्सी और आइसक्रीम वाली लस्सी पसंद आती है। तो यहाँ पे हमारी मलाईदार लस्सी बन करके रेडी है। तो गाइस आप भी बिल्कुल एक बार ट्राई करिएगा ये वाली लस्सी। और यहाँ पे ये हम सर्व कर लेते हैं आइसक्रीम वाली लस्सी। तो हमें पहले लस्सी को डालना है, और जो ऊपर की झाग होती है उसे ऊपर की तरफ डालना है ताकि दिखने में अच्छी दिखेगी लस्सी। और यहाँ पे मैंने ली है स्ट्रॉबेरी वाली घर की बनी हुई आइसक्रीम।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी आइसक्रीम आप डाल सकते हो, चॉकलेट वाली, स्ट्रॉबेरी या वेनिला, बटर स्कॉच, कोई भी आइसक्रीम आप उसमें थोड़ी सी एक स्कूप डाल लीजिएगा और ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया लगेगी लस्सी आपकी भी। तो गाइज यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली लस्सी मेरी बन करके रेडी है, तो ये वाली भी आप ट्राई कर लीजिएगा। और हाँ गाइज, स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम कैसे बनाते हैं वो रेसिपी भी मैं अपलोड करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।